मदीने का खूबसूरत एयरपोर्ट इंटरनेशनल और डोमेस्टिक। अल्लाह कितना खूबसूरत बना हुआ ये चेक पोस्ट है। आज है मेरा पहला दिन और पहला दिन ये आप लोग देख सकते हैं कि कितना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मदीना में है आज मेरा पहला दिन ड्यूटी का, तो मुझे गाड़ी हैंडओवर हो चुकी है और आज का जो व्लॉग है पूरा दिन का मैं शेड्यूल आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं कहाँ जाता हूँ और क्या करता हूँ, मुझे कौन सी गाड़ी मिली है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक झलक गाड़ी की दिखा देता हूँ कि गाड़ी कौन सी है। तो मुझे ये गाड़ी मिली है लैंड क्रूजर प्राडो, तो ये बिल्कुल नया मॉडल में है। तो ये अंदर का लुक इसका इस तरह से, बहुत अच्छी गाड़ी है, गाड़ी बिल्कुल नई है अभी। तो ये वो साइड है जो मैं इस वक्त साइड पे चल रहा हूँ और सामने आप लोग देख रहे हैं क्रेन, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इस साइड पे जाने का रास्ता यहाँ से काफ़ी बड़ा साइड है, जितना मैं आपको बोलूँ उतना कम है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने रेस्ट रूम में, जो हम लोगों को रूम मिला है यहाँ पे रहने के लिए। तो ये रूम है हमारा, ड्राइवर का वेटिंग हॉल है ये। अगर खुद के पास काम धंधा हो ना तो फिर मन भी लगता है, अगर खाली बैठ जाओ ना तो बहुत मुश्किल होता है टाइम को काटना। हालांकि टाइम बहुत अच्छा कट रहा है क्योंकि मैं इस वक्त ड्यूटी चढ़ गया हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है और देखो क्या होता है आगे चल करके। तो ये ऑफिस का पूरा का पूरा कैंप है कंटेनर वाला, हालांकि बहुत अच्छा है। तो मदीने के अंदर आज पहला दिन है और गाड़ी मिली है, और गाड़ी मिलने के बाद जो मुझे ड्यूटी मिली है ना, मैं जा रहा हूँ मदीने एयरपोर्ट पे किसी को पिकअप करने के लिए। हालांकि मैं जा रहा हूँ और मेरे साथ में जो दूसरा पार्टनर है ये हमारे सरदार जी, हालांकि नाम है सरदार जी। भाई जान सलाम अलैकुम, क्या हाल है? तो आज जो हमारी ड्यूटी में लगी है इनके साथ लगी है, क्योंकि ये यहाँ पे पुराने हैं और मैं नया हूँ। ये मुझे रास्ता दिखाने के लिए एयरपोर्ट लेकर के जा रहे हैं, किसी क्लाइंट को पिक करना और पिक करके लाना, तो इसी बहाने मैं मदीना का एयरपोर्ट भी देख लूँगा। तो ये ड्यूटी मिली है तो इसके साथ बैठ कर के चलते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी जाओ और अल्लाह के बंदे मिल ही जाते हैं कोई ना कोई हेल्प करने के लिए। तो कोई नहीं, दो चार दिन में हम भी यहाँ पर परफेक्ट हो जाएंगे, अभी तो नए नए। किसी भी एरिया में जाओ ना तो थोड़ा टाइम लगता है, और जान पहचान करने में और रास्ते देखने में बहुत सी ऐसी बातें हैं। तो एयरपोर्ट की ओर चलते हैं और इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा आगे कभी। मदीना इस वक्त बहुत ही तेजी से डेवलप हो रहा है, क्योंकि हर जगह पे मैं देख रहा हूँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह। और रियाद के मुकाबले सोचा जाए तो मदीना अच्छा है, और मदीना में ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। रियाद में हालांकि ट्रैफिक ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं पिछले एक दिन से चल रहा हूँ और देख रहा हूँ यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं दिख रहा है, क्योंकि पूरी एक दिन के अंदर पूरे मदीने के अंदर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है घूम भी चुका हूँ। और ये चेक पोस्ट है, ये एंट्री गेट है, यहाँ से हम मदीने एयरपोर्ट के लिए एंट्री करेंगे। जिस हिसाब से हम रियाद में एयरपोर्ट पे जाते हैं तो चेक पोस्ट होता है, उसी तरह से ये यहाँ भी चेक पोस्ट है। माशाल्लाह कितना खूबसूरत बना हुआ ये चेक पोस्ट यहाँ पे। तो ये मदीने एयरपोर्ट का मेन एंट्रेंस है, और एयरपोर्ट के अंदर मैं फाइनली एंट्री कर चुका हूँ मदीने की। तो ये हज टर्मिनल है, सामने लिखा हुआ ये हाजियों के लिए, और जो पब्लिक के लिए होगा वो आगे होगा, गेट नंबर 1 डिपार्चर। कोई ख़ास बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, छोटा ही एयरपोर्ट है, पर ये खुले में है। नया एयरपोर्ट बनाया गया है यहाँ पे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। अच्छा, माशाल्लाह एयरपोर्ट है छोटा पर बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है। तो पहले क्लाइंट को उतर के पिक करते हैं, फिर उसे लेकर के कंपनी चलेंगे। तो एयरपोर्ट से क्लाइंट को लेकर के तो आ चुका हूँ अपने कैंप में, और ये भाई गाड़ी इस वक्त लॉक कर रहे हैं, और फिर चलते हैं रूम के अंदर और चल करके थोड़ा रेस्ट करते हैं, क्योंकि इस वक्त ड्यूटी है नहीं। स्टार्टिंग में कहीं भी अगर हम काम के लिए जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से सब कुछ सीखना पड़ता है, और हर कोई ज़्यादातर मालिक बनने की ही कोशिश करता है, पर क्या करें। चलो कोई नहीं, अल्लाह रहम करे, और दो चार दिन में सब सही हो जाएगा, क्योंकि जब तक मुझे यहाँ के बारे में नॉलेज नहीं होगा कि कौन क्या है क्या नहीं है, तब तक तो ऐसा ही रहेगा माहौल। तो मदीने के अंदर आज है मेरा पहला दिन, और पहला दिन ये आप लोग देख सकते हैं कि कितने सारे बंदे मिले। हाँ जनाब, सलाम अलैकुम। तो हम सब एक ही जगह पे हैं, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। ये है हमारे इम्तियाज़ भाई, और जो दूसरा इम्तियाज़ भाई है उसको ज़्यादा मिस कर रहे हैं,
लाख हमारे पास एक इनकम भाई है। और उसके बाद सानेवर भाई, सानेवर भाई अस्सलाम वालेकुम। सलाम भाई। तो मदीना के अंदर आज पहला दिन और हम सब मिल कर के आए हैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। मैंने कहा भाई पहला दिन है, कम से कम एक साथ मुलाकात हो और अच्छा लगता है मिल करके, बहुत खुशी मिलती है। तो खाना रेडी हो चुका है इस वक्त आप सभी और बिस्मिल्लाह किया जाए। तो जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, रियाद से लेकर के मैं मदीना पहुंच गया हूं और आज पहला दिन था मदीने के अंदर जो मैं वीडियो स्टार्ट किया हूं। हालांकि दूसरा दिन है क्योंकि इस वीडियो को कंप्लीट करने में मुझे दो दिन का समय लगा। बहुत से ऐसे क्लिप है इसमें मैं ऐड किया हूं और मैं कोई भी जब वीडियो शूट करता हूँ ना, इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ब्लॉगिंग भी करने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं आप लोगों को ब्लॉगिंग के साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी दे सकूँ। और मैं सीन ऐसा लेता हूँ कि आप लोगों को बोरिंग ना लगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो अब आप लोगों को मिलता रहेगा क्योंकि मैं इस वक्त मदीना में हूँ कुछ टाइम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।